ओनली इश्कबाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो प्लीज आप भी इंग्लिश में बात करो। अंग्रेजी तो अनिका के लिए गई आफत। सवाल से अनिका का हुआ बुरा हाल। तर्रार जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन अभी तो उसे इंग्लिश में स्पीच देनी है। तुमको शायद पता नहीं है मिसेस अनिका कि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो प्लीज आप भी इंग्लिश में बात करो। जहाँ से मेरे पति पढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी वहीं से पढ़ना चाहिए, और ये एक रिकमेंडेशन लेकर आते हैं, तो आज वो उसी इंटरव्यू के चक्कर में हम आए हुए हैं, और वहीं मेरी धज्जियां उड़ती हैं। सोचा नहीं कि पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, पेरेंट्स से क्लास ली जाएगी। क्या चाहते हैं कि साहिल उसी हाई फाई स्कूल में पढ़े जहाँ से वो पढ़े हैं, और इसी सिलसिले में प्रिंसिपल पहले अनिका का इंटरव्यू लेती है। अब शिवाय तो निकल ली, लेकिन फंस गई बेचारी अनिका। रियल लाइफ में इंग्लिश कब सताता है ये उन्होंने बताया। वो तो खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं। आज भी मैं अगर अंग्रेजी पिक्चर देखती हूँ तो आई प्रेफर सबटाइटल्स, वेरी ऑनेस्टली। उसके रीजन ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, बट ऑल्सो आई थिंक मैं कुछ काफी कुछ सीखती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ। मुझे भाषाओं का शौक है एंड आई लाइक टू लर्न लैंग्वेजेस, तो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, मैंने फ्रेंच भी थोड़ी सीखी है, संस्कृत सीखी है स्कूल में, तो आई थिंक आई लाइक टू। ट्यूशन दे दो सर। जरूर, अब आइए हमारी कक्षा में। हिंदी में पढ़े हो या इंग्लिश में पढ़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक रिस्पेक्ट शुड नॉट बी यू नो इक्वेटेड विद हिंदी या इंग्लिश। सही कहा शिवाय, सिर्फ अंग्रेजी जानने से कोई मॉडर्न और इंटेलिजेंट नहीं होता। वैसे कहानी में अब अनिका जल्द इंग्लिश बोलकर दिखाएगी। वालों में से नहीं